सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शीशी को नहीं पता था कि टेन्यून ने उसकी बनाई हुई सोट खरीदी है, इसीलिए उसने शीशी से टेन्यून को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया था। सोंग ने अपने साथी स्टूडेंट के साथ टेन्यून पर अटैक कर दिया था और अपनी ट्रेजर शिप की मदद से टेन्यून के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोंग के साथी टेन्यून को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर टेन्यून ने उन्हें अपने होंगमेंग गॉड स्लेइंग सोट एरे में कैद कर दिया था, जिससे सोंग डर गया था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मगर टेन्यून ने सोंग और उसके साथियों को मारकर उनकी ट्रेजर शिप ले ली थी। टेन्यून पील ब्रांच के एंट्रेंस पर गया था और वहां दा न्यू ने उसे मैनेजर शेन की मौत की सजा के बारे में बताया था। फिर अब हम दा न्यू को देखते हैं, वो रोते हुए टेन्यून को बताता है कि 10 घंटों में मैनेजर शेन को मौत की सजा मिलने वाली है। ये बात सुनकर टेन्यून की ओर छुट जाते हैं, पर उसे समझ में नहीं आता कि मैनेजर शेन को मौत की सजा क्यों दी जा रही है। वो दा न्यू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बात कर रहे हो। दानियो कहता है कि कुछ दिनों पहले पील ब्रांच की मैनेजर ने मैनेजर शेन को 8 ग्रेड स्पेशल रिटर्न हब के ग्रेड के 5 स्पेशल प्लांट दिए थे। मिसू बिंग ने मैनेजर शेन को प्लांट्स का ध्यान रखने के लिए कहा था, इसीलिए मैनेजर शेन ने वो स्पेशल प्लांट्स जो रेन को दे दिए, लेकिन जो रेन की गलती की वजह से वो प्लांट सूख कर मर गए। जो रेन हमेशा से मेडिकल गार्डन का सबसे अच्छा और सच्चा स्टूडेंट था, लेकिन अफसोस की बात है कि जो रेन की छोटी सी गलती की वजह से उसे मौत की सजा दी गई और मार दिया गया। ये बात सुनकर टेन्यून हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेडिकल हर्ब जरूरी और खास होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मेडिकल हर्ब की कीमत किसी इंसान की जान से ज्यादा हो जाए। आखिरकार वो लोग इस तरह जो रेन को कैसे मार सकते हैं। दानियो कहता है कि हमारे मेडिकल गार्डन के स्टूडेंट्स की लाइफ किसी भी मेडिकल हर्ब से ज्यादा जरूरी नहीं होती है। किसी को भी हमारी लाइफ की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ हमें अपने फायदे के लिए यूज में लेते हैं और जब उनका काम हो जाता है हमें मार देते हैं। टेन्यून पूछता है कि जो रेन को किसने मारा और उसे किस जगह पर दफनाया गया है। दानियो बताता है कि जो रेन को 12th एल्डर ने मारा और उसकी बॉडी को माउंटेन पर ले गए हैं ताकि उसकी बॉडी को शांति से नहीं दफनाया जा सके। इससे टेन्यून को लू दाओ पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं लू दाओ को मार डालूंगा और उसकी बॉडी को भी इसी तरह माउंटेन पर ले जाकर लटका दूंगा ताकि मरने के बाद भी उसे शांति ना मिल सके। ये कहकर टेन्यून अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से दानियू नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं आपको मैनेजर शेन और जो रेन के बारे में बता रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब आप पील ब्रांच से चले गए थे तो उसके कुछ वक्त बाद हमें चुआन माउंटेन में मरा हुआ मिला, लेकिन मरने से पहले उसने अपने ब्लड की मदद से एक नोट लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि आपने चुआन को मारा है। उस नोट को पढ़कर लू दाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और वो सिर्फ आपको मारने की बात कर रहा था। बेहतर होगा कि इस वक्त आप पील ब्रांच में ना जाए और किसी दूसरी जगह पर छिप जाए, वरना लू दाओ आपको भी मार देगा। टेन्यून कहता है कि मैंने चुआन को नहीं मारा है, कोई दूसरा है जो चुआन को मारकर मुझे फंसाना चाहता है, इसीलिए मुझे जल्दी से पील ब्रांच में जाना होगा। मैनेजर शेन ने हमें ऑर्डर दिया था कि जब भी आप ब्रांच में वापस आए तो आपको बिंग किंग अल्ट्रा में जाना है, क्योंकि मैनेजर शेन मरने से पहले आपको देखना चाहते हैं और उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। टेन्यून कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेजर शेन को मरने नहीं दूंगा, मैं अभी बिंग किंग अल्ट्रा में जाकर सब चीजें ठीक कर दूंगा। यह कहकर टेन्यून वहां से जाने लगता है, तभी लीनी रोते हुए वहां आती है। वो दानियो से कहती है कि जल्दी से टेन्यून को मेरे पास बुलाओ, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। टेन्यून कहता है कि मैं खुद टेन्यून हूँ, पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। लीनी कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम टेन्यून हो और मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती, पहले तुम्हें अपना स्टूडेंट बेस दिखाना होगा। टेन्यून उसे अपना स्टूडेंट बेस दिखाता है, जिसे देखकर लीनी को टेन्यून पर भरोसा हो जाता है। वो कहती है कि मैं मैगी की सीनियर सिस्टर लीनी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ वक्त पहले बिस्ट ब्रांच के सेकंड एल्डर के स्टूडेंट मैगी को पकड़ लिया। जब से मैगी बिस्ट ब्रांच में आई है, वो स्टूडेंट उसे परेशान करते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इससे टेन्यून को काफी गुस्सा आता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो वो मैगी को लेकर कहाँ गया है। लीनी कहती है कि पहले मैगी ब्रांच के माउंटेन पर थी, पर अब मुझे नहीं पता है कि उसे लेकर कहाँ गया है। मेरा मानना है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। ये बात सुनकर टेन्यून लीनी का हाथ पकड़कर उसे अपने ट्रेजर शिप पर लेकर चला जाता है और दोनों तेजी से मैगी को बचाने के लिए चले जाते हैं। कुछ वक्त में वो दोनों एक माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं। लीनी मैगी को आवाज लगाने लगती है। टेन्यून कहता है कि मैं टेन्यून हूँ और मैंने ही
मुरोंग उनको मारा था। अगर तुम मैंगी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बस मैंगी को छोड़ दो। तभी फेंजियान वहाँ आता है और अपने क्लो से टेन्यून पर अटैक कर देता है, पर टेन्यून उसके अटैक से बच जाता है। फेंजियान अपनी शॉट की मदद से लिनी पर अटैक कर देता है और टेन्यून को पंच मारता है। टेन्यून भी उसे एक पंच मारकर फेंजियान का अटैक रोकता है और अपने दूसरे हाथ की मदद से उस शॉट को पकड़ लेता है, जिससे लिनी को कुछ नहीं होता। फेंजियान अपने लाइटनिंग पावर की मदद से टेन्यून को शॉक देकर दूर गिरा देता है। लिनी टेन्यून के पास आकर उसे संभालती है। टेन्यून कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले इसे संभाल लूंगा। फेंजियान एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से उन दोनों पर अटैक करने लगता है। तो टेन्यून लिनी का हाथ पकड़कर उसे लेकर इधर उधर भागने लगता है ताकि वो उन अटैक से बच सके। लिनी टेन्यून का हाथ छोड़ देती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इससे फाइट कर सकती हूँ। ये कहकर अपने शॉट को एक्टिवेट करके फेंजियान की तरफ भेजती है, लेकिन लिनी उस शॉट को रिफ्लेक्ट करके टेन्यून की बॉडी में घुसा देती है, जिससे टेन्यून की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसे लिनी पर बहुत गुस्सा आता है, पर उसकी हालत खराब थी जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। टेन्यून की हालत देखकर लिनी खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। फेंजियान टेन्यून की ट्रेजर शिप को उसके ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से टेन्यून की हालत खराब हो जाती है। फेंजियान एक फॉर्मेशन से अटैक करके टेन्यून का आर्म फेंक देता है और अपने स्टाफ को एक्टिवेट कर लेता है। फेंजियान अपने स्टाफ की मदद से टेन्यून पर अटैक करता है और उसी वक्त लिनी भी टेन्यून पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उन दोनों के पावरफुल अटैक की वजह से टेन्यून की हालत खराब हो जाती है और उसे अपनी मौत दिखाई देती है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर उसे जोरेन, मैनेजर शेन और मैगी की याद आती है। वो सोचता है कि अभी मुझे अपने लोगों को बचाना है और उनकी डेथ का बदला लेना है, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके जिंदा रहना होगा। ये कहकर टेन्यून अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। ये देखकर फेंजियान और लिनी एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी टेन्यून अपनी ट्रेजर शिप को तेजी से अपने पास बुला लेता है। ट्रेजर शिप से बचने के लिए फेंजियान और लिनी टेन्यून पर अटैक नहीं करते और दूर हो जाते हैं। ट्रेजर शिप माउंटेन से जाकर टकरा जाती है और टेन्यून शिप को पकड़कर लटक जाता है, पर लिनी और फेंजियान को उसके बारे में पता नहीं चलता। लिनी फेंजियान से कहती है कि तुमने टेन्यून को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था और मेरी शॉट पर भी खतरनाक पॉइजन लगा हुआ था, मुझे पूरा यकीन है कि अब टेन्यून जिंदा नहीं बच सकता। फेंजियान कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये कमीना सिर्फ टायून रियल्म के 7th स्टेज पर है, ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर तुम्हारे पॉइजन से बच नहीं पाएगा और मारा जाएगा। लिनी कहती है कि अब हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो क्या तुम मुझे कोई रिवार्ड नहीं दोगे। ये बात सुनकर फेंजियान खुश हो जाता है और लिनी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। टेन्यून की ट्रेजर शिप माउंटेन से नीचे गिर जाती है, लेकिन टेन्यून अपनी पावर से उसे कंट्रोल कर लेता है और तेजी से उसे पिल ब्रांच के एंट्रेंस पर लेकर जाता है। टेन्यून की हालत काफी खराब थी और उस शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी शिप माउंटेन से टकरा जाती है। दान्यू भी उसी माउंटेन पर था, पर वो साइड में कूदकर शिप से बच जाता है। दान्यू शिप पर जाकर देखता है और वहाँ से टेन्यून घायल हालत में मिलता है। दान्यू पूछता है क्या आखिरकार आपके साथ ये सब क्या हो गया, आप अभी सीनियर ली के साथ गए तो इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए। टेन्यून कहता है कि सबसे पहले तुम ट्रेजर शिप को एक्टिवेट करो और मुझे स्विचल माउंटेन के मेडिकल गार्डन में लेकर चलो, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि स्विचल रिटर्न हब्स किस वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। ये कहते हैं टेन्यून बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।